So hi guys, again welcome back to my channel Silent Inside Pooja. This is me, your Pooja, and welcome to another exciting video. आज बहुत दिनों के बाद शूट पे बैठ के लाइक दिल को एक सुकून मिल रहा है कि नहीं, फिर से काम में वापस आ गई हूँ. सो आज मैं ये लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ये बहुत ही एक ग्लिटरी काइंड ऑफ स्मोकी लुक है जो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. एंड किस तरीके से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है आप वो भी देखोगे इस वीडियो में. और इस तरीके की मेकअप लुक आप बहुत ज़्यादा किसी नाइट पार्टी में कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ क्लासी भी है. बहुत लोगों को ये लुक पसंद नहीं भी आएगा, तो ये सभी के पर्सनल चॉइसेस हैं. अगर बात बोलूँ अपनी, तो मुझे इस तरीके की लुक ऑल टाइम पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे भी इस तरीके की लुक पसंद आती है. सो फार्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन वीडियो में जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो. उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी जरूर हिट कर देना कि मैं जब जब भी वीडियो डाल सकूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए. सो मैं और ज़्यादा नहीं बकूंगी, डायरेक्ट वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है. तो बियर फेस में मैं कुछ इस तरीके की दिखती हूँ एंड मेरी आंखों में थोड़ी सी काजल रह गई थी, उसे उतारने के लिए मैंने एक मेकअप रिमूवर टिश्यू की यूज़ किया है. देन उसके बाद फेस को टोनिंग करने के लिए मैंने आज यूज़ किया है ये डर्म डॉग का हाइरुलोनिक एसिड टोनर. एंड लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ किया है बेबी लिप्स, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. आई सीरम के लिए मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स की लेमन एंड क्यूकम्बर आई सीरम, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. हर ट्यूटोरियल से पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ. एंड फेशियल ऑयल के लिए मैंने आज लिया है पर्पल का ये 24K गोल्ड फेशियल ऑयल, क्योंकि इन दिनों वेदर चेंज होने की वजह से आपकी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, तो स्किन केयर मस्ट है. मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप मेकअप जो करो ना करो, स्किन केयर मस्ट है. तो आईब्राउज की बारी है, मैंने एक स्पूली की मदद से आईब्राउ को कोम कर लिया है एंड उसे फिल करने के लिए एक ब्लैक और ब्राउन शेड को मिलाते हुए मैं इसे फिल कर लूँगी. आप कोई भी अपने हिसाब से आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो. तो दोनों आईब्राउज कंप्लीट हो जाने के बाद मैं फिर से वही स्पूली की मदद से उसे ब्लेंड कर रही हूँ. अब बारी आती है आई मेकअप की. मैंने टेप लगा लिया है और पर्पल की इस पैलेट में से इस कंसीलर शेड को लेते हुए मैं अपनी आईलिड पे दे दूंगी और देने के बाद एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लगाने के बाद मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल विथ दिस वन. एंड अपने आईब्रोज को शार्प दिखाने के लिए मैं ऊपर की एजेस को भी मैं क्लीन कर रही हूँ. फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उस सारी प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी, वो भी डैबिंग मोशन में. तो इसे करने के बाद आपको इसे सेट होने के लिए 2-3 मिनट देना होगा, तो मैं भी वही कर रही थी. और उस टाइम पे मैं भाई के साथ खेल रही थी, जो यूजुअली मैं करती हूँ. तो मैं भी चाय पी रही थी, उसे भी खाना खिला रही थी. तो ओके, हो गया है. अब बारी आती है उसे सेट करने के लिए. तो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राउ बोन को एसक्यू की जो लूज पाउडर है उसकी मदद से सेट कर रही हूँ. देन मैंने रेवोल्यूशन की इस पैलेट में से ब्राउन एक शेड को लेते हुए अपनी आउटर वी पे प्लेस करते हुए उसे इनर वे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मेरी जो बेस है वो सेट हो जाए. उसके बाद आप कोई भी एक ट्रांजिशन शेड ले सकते हो. मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाया है, तो मैं उसी में से एक शेड को लेते हुए उस ब्राउन कलर को ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक ओम्ब्रे शेड मिले. देन एक ब्लैक शेड को लेते हुए मैं, जिस तरीके से आप आईलाइनर पहनते हो ना, सिर्फ उस तरीके से ही आपको इसे बस टैबिंग मोशन में देना है. एंड एक क्लीन ब्रश की मदद से जो ब्लैक वाली आई शेडो है उसकी ठीक एजेस को ब्लेंड करनी है, ताकि जो एक स्मोकी लुक है वो अपने आप क्रिएट हो सके एंड आप पांडा जैसा भी ना लगो. तो उसे आप बहुत अच्छे से जब ब्लेंड करोगे आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके की आई लुक क्रिएट होने वाली है. उसके बाद मैं एक ये ग्लिटर ले रही हूँ, ये फ्रॉम ग्लिटरी वर्ल्ड है. इसके बारे में मैंने ब्रीफ में बताया है मेरी एक ब्लॉग में, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना. तो उसे देने के बाद मैं इसे 5 मिनट दूँगी सूखने के लिए और उसे ब्लेंड कर लूँगी. एंड थोड़ा सा ग्लिटरीनेस के लिए मैंने एक शैम्पेन रोज गोल्ड कलर भी यूज़ किया है. ये ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं. एंड नीचे की जो लैश लाइन है उसे स्मोक आउट करने के लिए मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया है और एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसे भी ब्लेंड कर लिया है. मस्कारा के लिए मैंने आज यूज़ किया है पर्पल की मस्कारा, ये वाटरप्रूफ नहीं है. और टेप उतारने के बाद मेरी लुक कुछ इस तरीके की लाइक हो रही है. मैं आई लैशेज आज लास्ट में लगाऊंगी. तो प्राइमर की बारी है, मैंने यूज़ किया है NYBA की प्राइमर. फाउंडेशन के लिए मैंने आज 2 फाउंडेशन को यूज़ किया है,
एक है पर्पल की फाउंडेशन और दूसरी वाली है वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन, कॉज मेरी जो पर्पल वाली फाउंडेशन है वो कुछ ज़्यादा ही मेरी स्किन टोन से मैच नहीं करता है, तो इसीलिए तो मैंने कंसीलर की जैसा ही यूज़ किया है और एक्सेस कोई कंसीलर मैं आज यूज़ नहीं करूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए मैंने आज यूज़ किया है इस वेट एंड वाइल्ड की पैलेट में से बनाना पाउडर को, और कॉन्टोरिंग भी मैं उसी पैलेट में से ब्राउन शेड को लेते हुए करूँगी। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लाइक कर रही हूँ तो इसीलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी पता चल गया होगा। ओके व्हाटएवर, ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है मोडा कॉस्मेटिक्स का ब्लश इन दी शेड 35 चॉकलेट, एंड जो मेरी आज की हाईलाइटर है उसके लिए मैंने यूज़ किया है मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेवोल्यूशन की हाईलाइटर, एंड मेरी यूजुअल प्लेसेस पे देते हुए मैं उसे एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है NYBay की मेकअप फिक्स है, और एक टील कलर को लेते हुए मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। लिपस्टिक के लिए मैंने आज एक न्यूड सा लिपस्टिक चूज़ किया है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। आप कोई भी नाइट पार्टी में इस लुक को कैरी कर सकते हो। लास्ट में मैंने लेंस अप्लाई किया है एंड लैशेज को अप्लाई कर लिया है, और ये जो आउटकम आज आया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप में से बहुत लोगों को पसंद आ भी सकता है, नहीं भी, तो इट्स टोटली अप टू यू। सो देख लिया, बहुत ही इजी पीजी सा है, कोई भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अगर प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आप उस चीज़ में अच्छा हो ही जाओगे। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड नहीं अगर अच्छा लगे तो मुझे शिकायत भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका हैंडल मैं प्रोफाइल पे यहाँ पे कहीं पे शो कर दूँगी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय।